found in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. नालटी के थोड़ा आगे चंबा जो ब्रिज आता है, पहला ब्रिज जो आता है उसके अंदर जाके एक मोड़ है, वहाँ पे अभी हम हैं। आप देख सकते हो पीछे से जो मेरा नज़ारा जो नज़र आ रहा होगा, कितना खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। ये देखिए आप, कितना मस्त नज़ारा यहाँ से आता है। आप पीछे का एरिया देख सकते हो आप, सास जली के आगे जो ब्रिज आता है उसके अंदर वाली जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और कुदरत से बहुत ही नज़दीक जगह है यहाँ पे। ये देखिए, अब हम लगे खाना खाने। राजू भाई सर्व कर रहे हैं, ये देखिए सलाद भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। और आप ये नज़ारा देखिए यार, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, जिसे हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। ये देखिए, तो खाना स्टार्ट हो चुका है इन पेड़ों के नीचे, इन वादियों में। वो खाना खाने के बाद जो बारी आ गई है बर्तन धोने की, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, साकी जी जो है बर्तन धो रहे हैं, साथ में राजू भाई भी है और बारिश भी जो है वो हल्की हल्की लगी हुई है, जैसा कि देख रहे हो आप। आप यहाँ का मंजर देखिए यार, कितना सही मंजर है। ये देखिए, ये देखिए आप, कुछ इस तरह के लोकेशन पे अभी हम हैं। तो बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कितनी तेज बारिश लगी हुई है। ये देखिए आप, काफ़ी तेज़ ज़्यादा बारिश लगी हुई है। और ये वो जगह है जहाँ पे एम्बियंस ग्रोफ ऑफ होटल जो है, जहाँ पे बदला में पहला फाइव स्टार होटल जो इनोग्रेट किया गया कुछ ही दिनों पहले। ये देखिए आप, यहाँ पे एम्बियंस ग्रोफ ऑफ होटल का फाइव स्टार होटल यहाँ पे बनेगा बदला में। तो ये रहा हमारा सास वैली रिजॉर्ट, सास वैली रिजॉर्ट। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी जगह है इसके अंदर। बारिश से बहुत बुरा हाल हो चुका है, ये देखिए कितनी तेज बारिश लगी हुई है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में, जैसा कि आप देख रहे हो काफी भीग चुका हूं मैं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो ब्लॉग को यहां पे एंड करता हूं। आई होप आपको ये ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।